नमस्कार दोस्तों, बाइट विद कौर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं पंजाबी कढ़ी पकौड़ा। दोस्तों, जो मैं रेसिपी आपसे शेयर करूंगी कढ़ी की, ये मैं लस्सी से यानी कि छाछ से बनाऊंगी, जो कि मैंने एक दो दिन इसको खट्टा कर लिया है। मैं लस्सी लेके आई थी, छाछ लेके आई थी, इसको मैंने एक दो दिन के लिए रख दिया था, तो ये काफ़ी खट्टी हो गई है। तो मैं इससे बनाऊंगी। आप चाहे तो इसको दही के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे घर में ये लस्सी से बनती है। पंजाब साइड में जितनी भी हम लोग कढ़ी बनाते हैं घरों में, वो सारी खट्टी लस्सी से ही बनती है। दही से भी बनाते हैं, लेकिन दही फिर आपका वो खट्टा होना चाहिए, क्योंकि कढ़ी थोड़ी सी खट्टी ही अच्छी लगती है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये आधा लीटर का लस्सी का पैकेट है। इससे पहले, लस्सी डालने से पहले हम सबसे पहले डालेंगे, मैं यहाँ पे ले रही हूँ, आप यहाँ पे 3 से 4 छोटी चम्मच ले लीजिए बेसन की। और उसके बाद इसके हम अंदर हम मिलाएंगे हल्दी, ये आधा छोटी चम्मच हल्दी है। इसी के साथ हम यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च, और यहाँ पे हम ऐड करेंगे कूटा हुआ धनिया, थोड़ा सा दरदरा सा कूटा हुआ है वो हम डाल देंगे। ये भी आधी चम्मच है, सारी चीज़ें आधी आधी चम्मच है। और 4 टीस्पून मैंने इसमें बेसन लिया है। अब हम इसमें इसको थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और अब हम इसमें डाल देते हैं ये लस्सी। तो धीरे धीरे करके हम लस्सी डालेंगे ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। पहले हम इसको अच्छे से विस्कर से विस्क कर लेते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर और पानी मिला देंगे। तो इसके अंदर मैं ये आप देख सकते हैं, मेरे पास 1 लीटर की ये बॉटल थी, तो ये बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह गया, इतना मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है। तो चलिए दोस्तों, इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैंने ये कढ़ाई रख ली है, सरसों तेल मैंने डाला 1 चम्मच, और इसमें मैं 1/4 चम्मच डाल रही हूँ क्वार्टर मेथी दाना। गैस बिल्कुल धीमे कर दीजिए ताकि हमारा मेथी दाना जल ना जाए। दोस्तों, हमारा मेथी दाना लाल हो चुका है। अब इसमें डाल रही हूँ मैं लहसुन अदरक और हरी मिर्च का कुटा हुआ पेस्ट। दोस्तों, इसमें मेरे पास 6 लहसुन की कलियाँ थी, आधा इंच अदरक का टुकड़ा था, और 3 छोटी हरी मिर्च थी जिनको मैंने कूट लिया है। उनको अपना छाछ वाला बैटर इसमें डालेंगे, इसमें डाल रहे हैं। कढ़ी बनाते टाइम हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें इसको लगातार चलाते रहना पड़ेगा जब तक कि इसके अंदर एक उबाल ना आ जाए, और जैसे ही एक उबाल आएगा उसके बाद फिर हम इसमें नमक डालेंगे। उससे पहले हम इसमें नमक नहीं डालेंगे, इसको हमें लगातार चलाते रहना है। और जहां कहीं भी आपको लगे कि हमारी ये कढ़ी काफी थिक हो रही है, तो आप इसके अंदर नॉर्मल कोसा पानी डाल सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं, इसमें अब उबाल आ चुका है, तो इस टाइम पे अब हम गैस धीमी कर देंगे, और इसमें अब हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अगर कड़ी खट्टी है तो नमक थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। इसको चला लेते हैं दोस्तों। अब आपको इसके पास खड़े होने की जरूरत नहीं है, अब आप इसको थोड़ा धीमी गैस पे आप इसको पकने दीजिए। कड़ी है तो ये कड़ेगी। अब ये इसको 15 से 20 मिनट आप इसको और कड़ने दीजिए। अब साथ के साथ हम पकोड़े बना लेते हैं। तो दोस्तों, पकोड़े बनाने के लिए मेरे पास ये हैं
ये मीडियम साइज 3 प्याज है जिनको मैंने रफली चॉप कर लिया है। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं बेसन। हम प्याज के पकोड़े बनाएंगे क्योंकि जो ऑथेंटिक पंजाबी कढ़ी है वो प्याज के पकोड़ों से ही बनती है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग इसमें बेसन डालेंगे, अगर कम लगेगा तो और डालेंगे। स्वाद अनुसार हम इसमें नमक डाल लेंगे क्योंकि हमने कढ़ी में भी नमक डाला है। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च और ये कुटा हुआ धनिया और ये हरा धनिया, टेस्ट अच्छा आएगा। और साथ ही में मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च कटी हुई, ये 2 हरी मिर्च है जो मैंने काट के रखी हुई थी, ये इसमें मिक्स कर लेते हैं। और अगर आप चाहें तो इसमें आप थोड़ी सी यहाँ पे हल्दी पाउडर यूज़ कर सकते हैं, मैं कर रही हूँ, उससे कलर अच्छा आता है। तो पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें पानी डाल के इसका एक बैटर तैयार कर लेते हैं। अगर आपको लगे तो आप बेसन और ऐड कर लीजिए। तो चलिए अब हम इसको 5 मिनट रखने के बाद इसको फ्राई कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों पकोड़े तलना स्टार्ट करते हैं। आप छोटे पकोड़े तल सकते हैं, थोड़े से बड़े साइज में तल सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। शेप का ध्यान मत रखिएगा, कोई टेंशन नहीं है, ये नहीं कि ये गोल ही होने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। पंजाबी कढ़ी का एक बहुत बड़ा साइन ही यही है कि उसके पकोड़े गोल नहीं होते। इस तरह से हम सारे पकोड़े तल लेते हैं। दोस्तों पकोड़े बनाते टाइम एक बात का ध्यान रखिएगा, गैस जो है वो हमारी मीडियम से लो से मीडियम तक रहनी चाहिए ताकि हमारा जो अंदर का बेसन है पकोड़े का वो कच्चा ना रह जाए। तो दोस्तों ये हमारे पकोड़े बन के तैयार हैं। अब ये सारे तो कढ़ी में जाएंगे नहीं क्योंकि 2-4 तो गायब ही होंगे, तो बाकी के जो हैं वो हम कढ़ी में डाल देते हैं। आप देख सकते हैं क्रिस्पी एकदम बढ़िया। इस तरह से आप पकोड़े बनाइएगा, साइज आप बड़ा छोटा जैसे आपको चाहिए आप वैसे रख सकते हैं। तो 2-4 इसमें से मैं निकाल के बाकी कढ़ी में डालती हूँ। तो चलिए दोस्तों मैंने कढ़ी में पकोड़े डाल दिए हैं। अब हम इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे ताकि हमारे पकोड़े भी थोड़े फ्लफी हो जाएंगे। और अब हम तड़के की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे तेल गरम हो चुका है, ये हमारा फाइनल तड़का है जो हम इसको लगा रहे हैं। इसके लिए हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा, साथ ही मैं इसके डालूंगी 1/4 चम्मच साबुत धनिया। ध्यान रखना ये जले नहीं। इसी के साथ मैं इसमें डालूंगी 2 पिंच हींग, 2 बड़ी सूखी लाल मिर्च। इसको चला लेती हूँ। तड़का लगाते टाइम हमें ध्यान रखना है कोई भी चीज हमारी जले नहीं। तो सब इसमें मैं डाल रही हूँ ये 2 कली लहसुन की मैंने काट के रखी हुई थी और साथ ही में 1 प्याज। अच्छे से भून गए थे। दोस्तों इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, जस्ट टू गिव इट ए नाइस कलर। दोस्तों मैं थोड़ा सा ये कड़ी यहाँ से लेके इसमें डाल दूंगी। अब हम ये तड़का कड़ी पे डाल देंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कड़ी हमारी इतनी थिक हो गई है
एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी है राइस के साथ खाने के लिए। तो चलिए ये तड़का इस पे डाल देते हैं। तो चलिए जी, ये हमारी कढ़ी बन के रेडी है। हम थोड़ी सी कसूरी मेथी गार्निश कर देते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी कढ़ी बन के तैयार है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज इसे जरूर लाइक कीजिए। कोई अगर आपके सुजेशंस हैं तो आप प्लीज मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, ताकि मैं अपने आप को और ज्यादा इम्प्रूव कर सकूं। और अगर आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है।